स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म जिसका नाम है नाइस व्यू, जिसमें हम एक लड़के को देखेंगे जो कि एक छोटी सी दुकान पर फोन रिपेयरिंग किया करता था और उससे वो कैसे करोड़पति बन गया। मूवी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन से भरी हुई है, तो फिल्म को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जिनहाओ को देखते हैं जो अपनी 6 साल की बहन के साथ रहता है। इसके मोम की मौत हो गई थी और इसके फादर इनको छोड़कर चले गए थे, इसलिए जिनहाओ अपनी बहन का ख्याल रखता है और उसको पालता है। आज अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद ये डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी बहन के दिल में कोई बीमारी हो गई है एक, और यही सेम बीमारी इसकी मोम के साथ भी थी, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। अब जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया अगर ये छोटी सी बच्ची का, तो उसके साथ भी वही होगा। डॉक्टर इसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, पर जिनहाओ एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है, जहाँ से वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाता कि वो अच्छे से खुद और अपनी बहन को खिला सके। एक रात अचानक जिनहाओ का फ्रेंड इसे कॉल करके मिलने बुलाता है। इसका फ्रेंड एक वेयर हाउस में काम करता है। ये इसे यहाँ पर कुछ बॉक्स का पहाड़ दिखाता है, मतलब इन बॉक्स के अंदर सेकेंड हैंड जो यूज्ड मोबाइल फ़ोन होते हैं वो रखे हुए हैं। ये वेयर हाउस एक आदमी का था और उस आदमी को किसी रीज़न से जेल हो गई है, और ये जो वेयर हाउस है इसका और इन जो फ़ोनों का पहाड़ है यहाँ पर, इसका कोई भी अब मालिक नहीं है। ये ऐसे ही लावारिस पड़े हुए हैं यहाँ पर। इसका फ्रेंड कहता है कि तू इसको ले जा और इसको तू ठीक करके बेच दियो सारे मोबाइल को, जितना भी प्रॉफिट होगा तू रख लियो, बस मुझे इसके बदले में 1,00,000 येन दे दे अभी। अब यहाँ पर जिनहाओ के पास इतने सारे पैसे तो नहीं होते हैं, वो कुछ फ़ोन लेकर घर पर जाता है और उन्हें रिपेयर करता है, जितनी भी इसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है उसके दम पे, और फिर इनको क्वालिटी चेक के लिए भेजता है। वो फ़ोन खुल जाता है और बहुत ही अच्छा निकलता है। अब ये देखकर जिनहाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोच लेता है कि अब खरीद लेगा ये सारे फ़ोन्स को और रिपेयर करके उनको बेचकर अमीर हो जाएगा। अगले दिन ये बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देता है, क्योंकि इसके पास 1,00,000 येन नहीं होते उस लड़के यानी अपने दोस्त को देने के लिए। वहाँ से ये मॉल में जाता है मोबाइल शॉप ओनर के पास और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे मोबाइल हैं, तुम उसको बेचोगे मैं तुम्हें बना बना कर ला कर दूंगा। और यहाँ पर इन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर जिनहाओ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो वो निकल कर आता है 9,00,000 येन, जो कि बहुत ज़्यादा रकम होती है। इतने में इसकी बहन का ऑपरेशन भी हो जाएगा और इसकी एक शॉप भी बन सकती है और ये अपने लिविंग स्टाइल को भी चेंज कर सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही 2 वीक बीत जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी निकालती है, जहाँ से पता चलता है कि आज के बाद कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन को बेचेगा नहीं। अगर कोई भी बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाएगी और उसकी दुकान पे सील कर दिया जाएगा। जिनहाओ शॉप ओनर के पास जाता है मिलने के लिए, क्योंकि ये जिनहाओ के फ़ोन लेने से अब मना कर रहा होता है। अब जिनहाओ उदास घर आ जाता है, क्योंकि अब इसके जितने भी फ़ोन थे जितने इसने लिए हैं वो कोई सा भी बिकने वाला तो है नहीं, इसके लिए कूड़ा हो गया है वो। अब तक वो उसमें से बस 8 या 10 फ़ोन ही बेच पाया है। जिनहाओ अगले दिन एक बड़ी सी कंपनी जिसका नाम साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उनके यहाँ जाता है, क्योंकि यही कंपनी है जिसके फ़ोन को अभी ये बनाकर बेच रहा है। जो पहाड़ है फ़ोनों का वो इसी कंपनी के फ़ोन्स होते हैं वो सारे। जिनहाओ यहाँ के मैनेजर से मिलता है और उन फ़ोन्स के बारे में बताता है और कहता है कि हम इनके पार्ट्स को अलग अलग निकाल कर उनको दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं, भले ही चाइना में नहीं हो रहे बट हाँ बाहर तो हो सकते हैं। मगर मैनेजर कहता है कि तुम उस फ़ोन को लाकर यहाँ पर दोगे और उसका जो पार्ट्स होगा उसका जो क्वालिटी चेक होगा वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओल्ड फ़ोन होता है। पर मैनेजर को साथ ही साथ ये भी पता है कि ये तो फेल हो जाएगा, और इसे पीछा छुड़ाने के लिए वो जस्ट ये बोल देता है कि ठीक है जाओ एक फ़ोन का करके लाओ और क्वालिटी चेक पास करके दिखाओ मुझे। यहाँ से जिनहाओ चला जाता है। अब वो काफ़ी मेहनत करता है, फ़ोन के पार्ट्स निकालता है, सबको अलग अलग करता है और उनको पैक करता है, फिर फैक्ट्री में लेकर जाता है और यहाँ पर उसको चेक करवाया जाता है और जो पार्ट्स होते हैं वो क्वालिटी चेक पास कर जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में। जिनहाओ बहुत खुश होता है, खुशी खुशी मैनेजर के पास आता है, पर मैनेजर जब ये सुनता है कि पास हो गया तो ये अपनी बात से पलट जाता है। वो कहता है मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे अगर पास हो गया। अब यहाँ पर ये देख कर कि पलट रहा है, इसको गुस्सा भी आ रहा होता है पर कुछ कर नहीं सकता, और मैनेजर यहाँ पर ये कह देता है इसको कि तुम अभी 20 साल के हो, तुम क्या ही कर लोगे और मुझे परेशान मत करो, चलो भागो यहाँ से। अब जिनहाओ को समझ नहीं आता कि वो करे तो करेगा, इसलिए वो इस कंपनी के ओनर से मिलने के लिए जाता है, पर ओनर बहुत जल्दी में होता है। इसे ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, ये कार में बैठकर निकल जाता है। जिनहाओ अपने स्कूटर से इसका पीछा करने लग जाता है। बहुत देर तक फाइनली पीछा करने के बाद ये स्टेशन पे पहुंचता है, फिर इसकी ट्रेन में घुस के इसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। कहता है क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं, और ये कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, और फिर अपनी बात रखता है कि मैं फ़ोन्स के पार्ट्स को निकालूंगा और उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, जिससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से कूड़ा रखा हुआ है, उसके पार्ट्स बहुत महंगे बिकेंगे। ओनर कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जिनहाओ कहता है कि अगर मैंने कर दिया तो आप खरीदोगे, और ओनर कहता है कि हाँ मैं खरीद लूँगा, पर ओनर साथ में ये भी बातें कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी एडवांस नहीं देने वाला हूँ और ना मैं अपने पास से कोई वर्कर दूंगा
या पैसे या कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी करना है तुम्हें खुद करना होगा। और एक कार्ड देता है इसको और कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैनेजर को कॉल करके बता देना। अब जिंगा वहीं स्टेशन पर खड़ा सोच रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो ये बहुत ही अमीर हो जाएगा, और अगर हार गया तो इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि यह सब कुछ अपना उस टाइम तक गंवा चुका होगा। कुछ दिन बाद इसकी शॉप भी इससे छीन ली जाती है, क्योंकि इसने लोन लिया था उसको ये चुका नहीं पाया है। अपनी मोटरसाइकिल को बेच देता है क्योंकि पैसे की कमी होने लग गई है दुकान बंद होने की वजह से। और फिर अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि एक वहीं पर फैक्ट्री में काम करता है। इसके पैर पकड़ता है ये, तो वो फ्रेंड इसकी एक नौकरी लगवा देता है विंडो क्लीनर की, मतलब खिड़कियों को साफ करना होगा हवा में लटक कर। अगले दिन जिंगहाओ अपने काम के लिए एक फैक्ट्री रेंट करने जाता है। एक जगह मिल तो जाती है इसके लिए, पर इनको 3,000 येन पर मंथ देना होगा रेंट। और इसे जिंगहाओ अपने फ्रेंड की मदद से मिलकर साफ सफाई करता है, ले लेता है, और यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली इसको फैक्ट्री के रूप में बदल देते हैं ताकि यहाँ पर काम हो सके आसानी से। और सभी मोबाइल्स को यहाँ पर लाया जाता है जो कि मटेरियल है, और अगला काम है वर्कर ढूंढना। अब ये सैलरी तो दे नहीं पाएगा क्योंकि खुद नहीं कमा रहा, तो इनको कहाँ से पैसे देगा, इसलिए शुरू में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि काम से निकाले गए हैं या किसी किसी चीज़ से मजबूर है या परेशान है। सबसे पहले ये एक लड़की को पकड़ता है, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम किया करती थी। एक दिन वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से इसको कम सुनाई देने लगा, और वहाँ से इसको निकाल दिया गया। अभी ऐसे ही छोटे मोटे काम करती है। दूसरा इसको एक पर्सन मिलता है जो एक टाइम पर किसी कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, पर ये काफ़ी फाइटिंग में इंटरेस्टेड है, तो एक आदमी को इसने मार दिया था तो उसकी मौत हो गई, तो इस वजह से ये जेल में पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। अभी छूट कर आया है तो काम ढूंढ रहा है। थर्ड पर्सन मिलता है इसको जो कि सालों से गेम खेल रहा है, मतलब वो एक गेमर है, और उसको पैसे कमाने हैं क्योंकि उसको अब शादी करनी होती है। पर ये कहता है कि मैं तो चलूँगा, मेरे साथ साथ मेरा एक फ्रेंड भी आएगा, और भी कुछ लोग जो कि ओल्ड ओल्ड होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। और यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर बन जाती है, कुछ लोग अब आ ही चुके हैं, और इस कंपनी को ये लोग नाम देते हैं नाइस व्यू, और सब काम पर लग जाते हैं। जिंगहाओ दिन में खिड़कियाँ साफ करता है ताकि अपना खर्चा चला सके, और रात को फ़ोन का काम करता है। इसकी बहन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है तो उसका ख्याल भी इसको रखना पड़ता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, उस गेमर को एक लड़की मिल जाती है फाइनली, और उससे वो शादी भी कर लेता है। यहाँ पर सब इसकी शादी में आए हुए हैं, सब इंजॉय करते हैं। और जिंगहाओ जब अपनी बहन को शादी के बाद रात को घर लेकर जाता है तो इसके लैंडलॉर्ड ने घर पर ताला लगा दिया, और यहाँ पर पर्चा लगाया है कि किराया दोगे तभी एंट्री मिलेगी, भाग जाओ वरना यहाँ से, क्योंकि 3 महीने से इसने रेंट पे नहीं किया होता है घर का। अब रात को ये अपनी बहन को लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए ये एक फैक्ट्री के वर्कर के यहाँ चला जाता है, और फिर फैक्ट्री में ही एक बेडरूम बनाता है बॉक्स को जोड़ जोड़ कर, ताकि इसकी बहन आराम से वहाँ पर रह सके। इसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि अपनी बहन को ये कहाँ पर रख रहा है, क्या कर रहा है, जबकि उसकी तबीयत खराब है, पर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये बहुत रोता है, पर काम नहीं रुकता क्योंकि इसे अपनी बहन का इलाज भी तो करवाना है। यही कुछ दिनों तक चलता रहता है, और एक दिन फैक्ट्री का ओनर इससे कहता है कि तुमने 2 मंथ से फैक्ट्री का रेंट भी नहीं दिया है, अगर 1 वीक में नहीं दोगे तो निकल जाना यहाँ से। जिंगहाओ इसे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर लैंडलॉर्ड इसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसको कहाँ ही पता कि ये क्या कर रहा है। अब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाने के बाद जिंगहाओ उसी मैनेजर के पास जाता है साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के, और इसे कहता है कि मुझे 1,00,000 येन दे दो, पर मैनेजर कहता है कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि ओनर ने डील ऐसे ही की थी कि हम तुम्हें 1 भी पैसा नहीं देंगे, जो भी करना है तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अब जिंगहाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसको अब अपनी मोम का एक किया वो प्रॉमिस याद रहा है, इसने अपनी मोम से कहा था कि मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और यहाँ रात को बारिश होने लग जाती है जिसकी वजह से जो फ़ोन के ऊपर जो कवर लगा हुआ था वो पूरा गिर जाता है, और लैंडलॉर्ड भी आता है और कहता है कि 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, किराया दे दो वरना यहाँ से चले जाना, क्योंकि ये मैं किसी और को दे चुका हूँ। यहाँ पर जिंगहाओ अपने वर्कर से मिलता है और बताता है कि अब बस 2 वीक बचे हमारे काम को, और मैंने तुम सब में से किसी को भी अभी सैलरी भी नहीं दी है, और पता नहीं मैं दे भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये फेल हो जाता है, मान लो कंपनी का मालिक जो है नहीं लेगा तो कहाँ से लाएगा ये पैसे। अब इसका फ्रेंड कहता है कि मैं दे दूंगा इन्हें सैलरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और सब यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं ये लोग। और इन्हें फैक्ट्री से अब निकाल दिया जाता है। अब ये सारे फोन्स को उठा उठा कर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं और घर से ही काम करने लग जाते हैं। जिंगहाओ के पास कोई घर नहीं होता इसलिए ये एक नर्सिंग होम में रहता है और वहीं पर मोबाइल रिपेयर का काम करने लग जाता है। एक रात इसकी बहन उठ के देखती है तो कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और ऐसे ही 2 वीक फाइनली बीत जाते हैं और पूरा काम कंप्लीट हो जाता है और सारे पार्ट्स चले जाते हैं क्वालिटी चेक के लिए। और थोड़े टाइम बाद इनकी पूरी टीम को साइनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनी में बुलाया जाता है और ओनर इनसे मिलता है और इनको शाबाशी देता है क्योंकि सारे पार्ट्स पास हो चुके हैं और इन्होंने काम जो है वो टाइम पर कर दिया है। और कहते हैं कि क्या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे हमारी तरफ से। और इसी तरह इतनी मेहनत के बाद जिंगहाओ ने ये कर दिखाया। और 1 साल बीत जाता है, हम देखते हैं जिंगहाओ की बहन का ऑपरेशन भी हो चुका है और वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। उसके सारे फैक्ट्री के वर्कर भी वहाँ पर आए हुए हैं जो कि खुश है उसके लिए बहुत ज़्यादा।
और फिर हम देखते हैं 6 साल बीतने के बाद का सीन, जहाँ पर देखते हैं हम जिंगाओ को, जो कि नाइस व्यू कंपनी का ओनर बन चुका है और सबसे यंग सीईओ बना है, और बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। कभी कभी लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, पर सब हो जाएगा, बस तुम्हें करने की ज़रूरत होती है। कभी ऐसा लगता है कि किस्मत ख़राब चल रही है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मतलब ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, या कभी कभी माइंड उस चीज़ से बिल्कुल हट जाता है कि अब यार क्या करने जा रहा हूँ मैं, छोड़ना बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर जो टारगेट होता है उसको फॉलो करो, ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यार ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना हो। अब इससे मेरा मतलब कुछ और मत समझना कि ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं, बट मैं वो कह रहा हूँ कि इंसान कर सकता है, बस करने की ज़रूरत होती है, बस करते रहो, करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यार करना पड़ता है, बस एक ही तरीका है, करना करना वर्ड है, तो करो, करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। अगर पहली सोच लोगे कि नहीं होगा, मन नहीं कर रहा, दूर है या ऐसा, तो नहीं होगा। तो देखो यार, जो भी तुम कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर करते रहना, तुम जरूर सक्सेस हो जाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए। मेरी आवाज़ पहली बार अगर सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।